दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, जो जितने लोग SBI कियोस्क चलाते हैं या फिर SBI किसी भी कंपनी से हो, SBI का काम करते हैं, SBI कियोस्क चलाते हैं, तो दोस्तों क्या होता है कि मैं काफ़ी लोगों को देखता हूं अपने सिस्टम में इंस्टॉलेशन सेटअप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं किस तरीके से आप SBI कियोस्क को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है और किस तरीके से इसमें काम करना, पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहिए और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आप सभी को पता होगा मैं SBI कियोस्क चलाता हूं, तो उसी संबंधित एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि SBI कियोस्क अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको दिखाने वाला हूं किस तरीके से कैसे करना है। अगर आप किसी अदर कंपनी से SBI कियोस्क चलाते हैं तो अभी आपके समझ में आएगा किस तरीके से SBI कियोस्क को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके काम किया जाता है। तो दोस्तों मैं ले चलूँगा आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, उसके बाद में वहाँ मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों चलिए मैं अपने लैपटॉप को स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है SBI कियोस्क। मैं इसको लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको डिलीट करूँगा, उसके बाद में फिर से इंस्टॉल करके आपको मैं दिखाऊँगा, क्योंकि आपको पता चल जाए कि मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है। उसके बाद में इसको डिलीट करने का भी प्रोसेस आपको पता चल जाएगा, उसके बाद में इसको फिर से इंस्टॉल करने का प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। क्या होता है कभी कभी जब कोई टेक्निकल एरर आ जाता है तो हमें SBI कियोस्क को फिर से डिलीट करके फिर से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो दोनों प्रोसेस आप लोगों के समझ में आएगा। अगर नया आपको इंस्टॉल करना है तो थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हो, या फिर डिलीट करके फिर से इंस्टॉल करना है तो पूरा वीडियो आप अगर देखोगे तो कंप्लीट आपके समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसको करना है। तो आप लोग देख सकते हो मैं इसको लॉगिन करके आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ मेरे सिस्टम में ये ऑन हो चुका है, इसको मैं फिंगर वाले ऑप्शन पर आ चुका हूँ, फिंगर लगाऊंगा और मैं SBI कियोस्क में लॉगिन हो जाऊंगा अच्छे तरीके से। मतलब पहले से ही मेरा काम अच्छे तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए इसको फिर से डिलीट करूंगा, उसके बाद में फिर से इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करूंगा, उसके बाद में फिर इसमें ट्रांजेक्शन करके भी आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इसको सबसे पहले क्लोज करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर को इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना, अगर आपको डिलीट करना है तो सबसे पहले आपको अपने कंट्रोल पैनल में जाना है, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम पर क्लिक करना होगा। यहाँ आप लोग देख सकते हो प्रोग्राम वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक करना, उसके बाद में जो SBI के उसका सॉफ्टवेयर पहले से आपके सिस्टम में इंस्टॉल है उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं बार बार आपको डिलीट करके दिखाता हूँ कौन कौन सा फाइल आपको डिलीट करना है। कुछ एक्स्ट्रा डिलीट नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, उसके बाद में आपका नहीं चलेगा तो बोलोगे कि मतलब मेरा जो भी चल रहा था वो ख़राब हो गया। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो कंप्लीट आपके समझ में आएगा किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++, उसके बाद में 2005 और 2008 को सबसे पहले आपको डिलीट करना है इस तरीके से। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो आपके सिस्टम में, और हो सकते हैं ये ऑटोमेटिक अपडेट की वजह से माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ आ जाते हैं, जैसे 2010 आ सकता है, 2017 आ सकता है, ये सब सारा आ सकता है। लेकिन अगर आप चाहो तो उसको रख सकते हो या फिर डिलीट भी कर सकते हो। आपके काम का सिर्फ दो ही है, 2005 और 2008, क्योंकि SBI कियोस्क जब इंस्टॉल करोगे आप तो ये आपके सिस्टम में आएगा, तो ये दोनों आपको डिलीट कर देना है, या तो फिर पूरा डिलीट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2005 और 2008 को मैं अनइंस्टॉल करने वाला हूँ, मतलब डिलीट करने वाला हूँ। तो इस तरीके से इसको डिलीट करेंगे, प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आप लोगों के कंप्लीट समझ में आएगा किस तरीके से इसको करना है। इसको यस करेंगे, उसके बाद में ये माइक्रोसॉफ्ट C++ 2005 मेरा डिलीट हो जाएगा, उसके बाद में 2008 को भी डिलीट करना है इस तरीके से, उसके बाद में ये भी डिलीट हो जाएगा हमारे सिस्टम से। उसके बाद में Java 7 अपडेट 51 को डिलीट करना है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। आप पूरा देखोगे कंप्लीट तभी आपके समझ में आएगा, अगर स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और उल्टा पुल्टा आप डाउनलोड कर लोगे। तो ये सब आपको अच्छे तरीके से देखना है, उसके बाद में फिर से इसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। ये हो गया, उसके बाद में फिर यहाँ से मोर्फो वाला पूरा एप्लीकेशन डिलीट करना होगा, जैसे मोर्फो API, मोर्फो RD सर्विस ड्राइवर और मोर्फो स्मार्ट USB ड्राइवर हमें डिलीट करना होगा। तो ये तीनों हमें डिलीट करना होगा, तो इसको मैं कर देता हूँ फटाफट, इसको डिलीट करेंगे यहाँ से, ओके कर दूंगा मैं, तो ये डिलीट हो जाएगा हमारे सिस्टम से। आप लोग देख सकते हो ये डिलीट हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, पूरा डिलीट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें फिर से इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में।
ये भी डिलीट हो गया, रिमूव हो गया। इसके बाद में इसको रिमूव करेंगे यूएसबी ड्राइवर को। अब ये भी हमारे सिस्टम से रिमूव हो रहा है, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोग देख सकते हो ये भी रिमूव हो चुका है। अब आप लोग देख सकते हो इसमें कुछ भी नहीं बचा है। ये FPA एक्टिव एक्स को भी डिलीट कर दीजिए आप, उसके बाद में फिर से ये हमारे सिस्टम में आ जाएगा। तो इसको भी मैंने डिलीट कर दिया है यहाँ से और ये रिमूव हो गया है। अब हमारे सिस्टम में जो कंट्रोल पैनल में जितने भी एप्लीकेशन, इसको कुछ भी नहीं करना है। ये हमारे काम के हैं, जितने भी SBI क्यू से रिलेटेड थे मैंने सभी को डिलीट कर दिया है और अच्छे तरीके से करना है। इस तरह कुछ भी आपको डिलीट नहीं करना है। उसके बाद में कंट्रोल पैनल को आपको एग्जिट कर देना है। उसके बाद में जाना है आपको माई कंप्यूटर में, उसके बाद में सी ड्राइव को ओपन करना है। तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। सबसे पहले आपको यहाँ सर्टिफिकेट का ऑप्शन ऊपर मिलेगा, इसको डिलीट कर दीजिए आप यहाँ से। उसके बाद में फिंगरप्रिंट स्कैनर सेंसर का ऑप्शन मिलेगा, इसको भी डिलीट कर दीजिए यहाँ से। उसके बाद में मोर्फो लॉग को भी डिलीट करना है। उसके बाद में मोर्फो आईडी सर्विस को भी डिलीट करना है। ये इतना फाइल आपको डिलीट करना पड़ेगा अपने सी ड्राइव से। तो सी ड्राइव से भी मैंने डिलीट कर दिया है। उसके बाद में ये आएगा रिसाइकल बिन में, रिसाइकल बिन से भी इसको रिमूव कर देना है। तो ये हमारा सबसे पहले मैंने डिलीट का जो प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया। डिलीट इस तरीके से करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरीके से आपका SBI क्योस जो आपके सिस्टम में चल रहा था वो अब डिलीट हो चुका है। अब इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए ये हमारा शॉर्टकट है, शॉर्टकट को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। बाद में आपको शॉर्टकट लाकर दे दूँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से शॉर्टकट को बनाया जाता है। तो आप जिस भी कंपनी से SBI क्योस चलाते हैं तो सबसे पहले उसका सॉफ्टवेयर आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं संजीवनी विकास फाउंडेशन से मेरा SBI क्योस चल रहा है, तो उसका मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा। उसी के वेबसाइट पर मिल जाता है। अगर आप किसी अदर कंपनी से हैं तो उसका मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं संजीवनी का बात कर रहा हूं, तो संजीवनी का हमारे संजीवनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें इसका सॉफ्टवेयर मिल जाता है। इसको डाउनलोड करके रन करना पड़ता है। तो यहाँ से मैं संजीवनी विकास फाउंडेशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाने के लिए बोलूँगा। तो यहाँ से आपको टाइप करना है वेलकम टू संजीवनी विकास फाउंडेशन, वेलकम टू संजीवनी। आप अगर आप लिखोगे तो सबसे ऊपर ऊपर वाला वेबसाइट आ जाएगा, sanjeevanivf.org। यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, किसी अदर वेबसाइट पर नहीं जाना, आपके साथ गलत हो सकता है। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से डाउनलोड करना, अदर पे नहीं जाना है आपको। तो वेलकम टू संजीवनी पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके बाद में डाउनलोड पे जैसे जाओगे यहाँ कुछ डिस्क्लेमर आएगा, इसको क्लोज करना है, डाउनलोड पर आना है। उसके बाद में सॉफ्टवेयर पर क्लिक कर देना है। यहाँ फॉर्म और सॉफ्टवेयर दो फाइल मिलेंगे, हमें सॉफ्टवेयर वाले पे क्लिक करना है क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। तो सॉफ्टवेयर पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद में कुछ इस तरीके से इतने सॉफ्टवेयर इसमें पहले से अवेलेबल हैं, तो हमें न्यू वाला डाउनलोड करना पड़ेगा, संजीवनी विकास फाउंडेशन कियोस्क न्यू, यही अभी फिलहाल में चल रहा है। तो इसको डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ से। इसे यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ये हमारे सिस्टम में रार फाइल डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ डाउनलोड हो रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये फाइल मेरे पास पहले से है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा स्किप करता हूँ, उसके बाद में अपने फाइल को आपको दिखाता हूँ किस तरीके से है। तो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है आपको। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। डाउनलोड फोल्डर में मेरा पहले से पड़ा हुआ है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो SBI क्योस्क न्यू, इसको यहाँ से राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करना है इस तरीके से, और उसके बाद में ओके कर देना है। आपका ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। आप लोग यहाँ से ऊपर देख सकते हो ये हमारा फाइल आ चुका है। तो इसी को हम लोग रन करने वाले हैं। जैसे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद में डेस्कटॉप पर इसको रख लेता हूँ इस तरीके से। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरे पास एक और हमारे डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, तो इसको मैं साइड में कहीं रख देता हूँ किसी दूसरे ड्राइव में, इसको कट करके, क्योंकि अभी फ़िलहाल में यही चल रहा था। कोई बात नहीं, इसको यहाँ एफ ड्राइव में मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो जो अभी नया एक्सट्रैक्ट किया हूँ इसी को रन करने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हो ये मेरे पास आ चुका है यहाँ। अब इसको डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद में फिर से डबल क्लिक करेंगे, फिर से डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद में हमारा सॉफ्टवेयर आ जाएगा। यहाँ रन एस एडमिनिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। इसी सेटअप को, इसी एप्लीकेशन को आपको रन करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद में रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देंगे, ये हमारे सिस्टम में रन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें यस या नो का ऑप्शन आपसे पूछेगा, तो आपको यस करना है इस तरीके से। उसके बाद में ये इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। कोई भी आपको कीबोर्ड से आपका की प्रेस कर देना है, उसके बाद में ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी बटन में प्रेस कर देता हूँ, उसके बाद में ये डिलीट करने के लिए पूछेगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आपके सिस्टम में चल रहा है उसमें कुछ काफ़ी सेटिंग होती हैं, तो उसको ये रिमूव करेगा। उसके बाद में फिर से इंस्टॉल करेगा, तो उसको डिलीट पर्सनल सेटिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में रिसेट पर क्लिक करेंगे, और जितने भी पुराने सेटिंग थे वो डिलीट कर देगा। उसके बाद में इसको क्लोज कर देना है। तो आपका ये हमारे सिस्टम से डिलीट करेगा, उसके बाद में फिर से इंस्टॉल करना शुरू कर देगा हमारे सिस्टम में।
तो आप लोग देख सकते हो इंस्टॉलिंग जावा पर आ चुका है। वेलकम टू जावा। हमें जावा अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे मैंने डिलीट किया था तो वही जावा हमें इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा, ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट लग सकता है, या आप मेरा तो नेट फास्ट है तो जल्दी से हो गया, आपका 1 से 2 मिनट लग सकता है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड जावा आ चुका है, इसको क्लोज कर देना है। इस तरीके से न्यू टैब ओपन हो जाएगा, इसको क्लोज कर देना है, ये आपके किसी काम का नहीं, इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद में यहाँ से फिर से इसको रखना है, आपको इसमें इंस्टॉल होगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ हो गया। अब इसमें सर्टिफिकेट हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इंस्टॉल सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे, तो ये आप लोग देख सकते हो द इंपोर्ट वाज सक्सेसफुल हो चुका है, ओके कर देंगे, तो ये हमारा सर्टिफिकेट भी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। अब हमें मॉर्फो API MSO डाउनलोड करना है, तो मॉर्फो का एप्लीकेशन से ही चलता है SDI Kiosk, तो मॉर्फो का एप्लीकेशन पूरा इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे सिस्टम में। ऑटोमेटिक इसमें कुछ भी आपको करना नहीं है, लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हो ये ऑटोमेटिक ऑप्शन खुल गया, ओपन हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पर करेंगे, उसके बाद में फिर से नेक्स्ट, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, मॉर्फो का सर्विस इसमें इंस्टॉल हो रहा है, जो भी इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से इसमें इंस्टॉल हो रहा है। आप लोग देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट C++ 2005 और 2008 भी इसके साथ में इंस्टॉल होगा, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपको कुछ भी करना नहीं है, कुछ कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है, आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से FPA एक्टिव एक्स मैंने डिलीट किया था अपने कंट्रोल पैनल से, तो वही ऑप्शन फिर से आ गया इंस्टॉल करने के लिए, तो इसको यहाँ से ओके करेंगे। उसके बाद में ये कंप्यूटर वाला जो आइकन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा इंस्टॉल करने के लिए। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, इसको ओके कर देंगे। उसके बाद में मॉर्फो का हमें पूछेगा, इसको आपको अगर सिस्टम रिस्टार्ट करना है तो रिस्टार्ट कर सकते हो या फिर नो कर सकते हो, तो मैं नो करने वाला हूँ क्योंकि मुझे रिस्टार्ट नहीं करना है। उसके बाद में फिनिश पर क्लिक कर दूंगा, तो ये हमारे सिस्टम में अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद में मैं इसको रन करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हो फिनिशिंग इंस्टॉलेशन पे आ चुका है। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट का थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो इसमें ऑटोमेटिक काफ़ी ऑप्शन आता रहेगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये कुछ फाइल जो होता है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड कर लेता है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ये ऑटोमेटिक आपके सिस्टम से हट जाएगा जब इसका इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो फिर से एक मॉर्फो का सर्टिफिकेट हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, फिनिश पर क्लिक कर देंगे, तो फिर से आप लोग देख सकते हो दिस द इंपोर्ट वाज सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद में ओके पर क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा हो चुका है, फिर से ये ऑप्शन पूछ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कोई भी प्रेस कर देंगे ये एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद में इसको क्लोज कर देंगे, तो हमारा जो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो हमारा काम था, मतलब SBI Kiosk जो हमने इंस्टॉल करना था, वो कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन आप लोग देख सकते हो मेरे सिस्टम में इसका शॉर्टकट अभी तक नहीं आया, तो इसको ओपन करके कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जब आप SBI Kiosk इंस्टॉल करते हो तो आपके सिस्टम में अगर शॉर्टकट नहीं आता है तो इसको ओपन करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको हो सकती है। तो कोई बात नहीं, इसको लाने का बहुत ही छोटा प्रोसेस आपको मैं दिखाता हूँ कितना आसान है। SBI जो भी मैंने एक फोल्डर आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लाया था, रन किया था, उसी को ओपन करेंगे इस तरीके से, ये 2-3 फाइल में होता है, इस तरीके से ओपन करेंगे तो आपको यहाँ एक फोल्डर मिलेगा शॉर्टकट के नाम से। शॉर्टकट पे डबल क्लिक करना है, तो X64 X86 का दो ऑप्शन आपको मिलेगा, X64 पर क्लिक करना है। उसके बाद में इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ से शॉर्टकट हमें मिल जाएगा, उसके बाद में पेस्ट कर देना है यहाँ से अपने डेस्कटॉप पर। तो SBI Kiosk का शॉर्टकट भी हमारे सिस्टम में आ चुका है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। उसके बाद में इसमें लॉगिन करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हमारा सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरीके से ये ओपन होगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ आ चुका है पूरा। इसको मैं जूम करता हूँ, उसके बाद में यहाँ अपना यूज़र ID पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करना है, तो चलिए मैं फटाफट डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा कैप्चा का, तो कैप्चा आपको डाल देना है, जो भी कैप्चा आपसे पूछा जा रहा वही आपको डाल देना है। उसके बाद लॉगिन पर आपको क्लिक करना है, तो कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। आप लोग देख सकते हो चेकिंग फॉर RD सर्विस आ चुका है, ओके करेंगे। उसके बाद में ये अगर आपका RD सर्विस नहीं चलता है तो इसमें एक छोटा सा प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि फिलहाल में जो अभी इसमें RD सर्विस दिया गया है सॉफ्टवेयर में, वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, आपका APS भी काम नहीं करेगा। तो ये देख आप लोग देख सकते हो इसमें APS काम करने वाला नहीं है, मुझे 100% पता है। तो उसका भी सोल्यूशन हमारे पास है, और इसका जो RD सर्विस का जो नया वर्जन अभी चल रहा है
उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना अगर आपका APS नहीं चलेगा या फिर लॉगिन करने में इस तरीके से एरर आएगा। तो ये नॉर्मल लॉगिन के लिए मुझे बोल रहा है, तो नॉर्मल लॉगिन मेरा हो जाएगा अच्छे तरीके से, लेकिन इसमें APS मेरा नहीं चलने वाला है। तो APS कैसे चलेगा उसका भी मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान प्रोसेस से बताऊँगा, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो APS पे मैं जाता हूँ, उसके बाद मैं क्लिक करके दिखाता हूँ मेरा APS इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि जो इसमें RD सर्विस फिलहाल में सॉफ्टवेयर के साथ में आता है वो अच्छे तरीके से APS हमारा काम नहीं करता है उसके थ्रू से। तो हमें दूसरा RD सर्विस इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे सिस्टम से, लेकिन उससे पहले हमें डिलीट भी करना पड़ेगा, जो पहले ओल्ड इसके साथ में इंस्टॉल हुआ है उसको डिलीट करेंगे, उसके बाद में फिर से दूसरा RD सर्विस इसमें इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ ओके का ऑप्शन आ चुका है, RD सर्विस हैज बीन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। ये आपके सिस्टम में आना बहुत ही ज़रूरी है, अगर ये नहीं आता है तो आपका सिस्टम में RD सर्विस तो रहेगा लेकिन APS काम नहीं करेगा, पासबुक से आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे लेकिन आप आधार के थ्रू से आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे, मतलब APS से आपका ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो ये ओके हो गया है, फिर से इसको क्लोज करेंगे इस तरीके से, उसके बाद में फिर से मैं लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा, अगर RD सर्विस इसमें चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो फिर से इंस्टॉल करने का भी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हो ये हमारे सिस्टम में आ चुका था, लेकिन इस सिस्टम आपका अगर फिर भी नहीं चलता है तो आपको एक बार सिस्टम अपना रिस्टार्ट कर लेना है, तो मैं रिस्टार्ट करके फिर से आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने लैपटॉप को फिर से रिस्टार्ट कर दिया है, उसके बाद में इसमें देखेंगे हमारा RD सर्विस काम कर रहा है APS पे या नहीं कर रहा है, तो इसको सबसे पहले चेक करेंगे, यहाँ से APS सर्विस पे आएंगे, APS ट्रांजेक्शन करके देखेंगे, अगर हमारा RD सर्विस चलेगा तो ठीक है, अगर नहीं चलेगा तो मैं आपको इंस्टॉल करने का प्रोसेस भी बता देता हूँ, लेकिन अगर आपका भी नहीं चलेगा फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत आती है तो लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से RD सर्विस का RAR फाइल आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लोगे। इसका आगे का प्रोसेस में भी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ, अगर ये चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो भी मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको RD सर्विस को अगर नहीं काम करता है फ्यूचर में या कभी भी आपका RD सर्विस का दिक्कत आता है तो किस तरीके से उसको भी सही आप कर सकते हो। तो मैं आ गया हूँ यहाँ से, मैं चेक करता हूँ, कोई भी अपना आधार नंबर डालकर चेक कर लेता हूँ, अगर ये हमारा काम करेगा तो ठीक है, अगर ना काम नहीं करेगा तो इसको फिर से हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। तो यहाँ मैंने आधार नंबर डाल दिया, बैलेंस इंक्वायरी करके देख रहा हूँ मैं, उसके बाद में आई एग्री करेंगे, फिंगर सेलेक्ट करके फिंगर कैप्चर कर लेंगे, फिंगर कैप्चर तक तो ये आ रहा है, उसके बाद में देखते हैं ये अभी RD सर्विस अच्छे तरीके से बैलेंस बताता है या नहीं बताता है। तो दोस्तों अभी ये RD सर्विस जब भी मैं ऑथराइज कर रहा हूँ तो ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो मुझे ये पता 100% पता है कि इसमें RD सर्विस जो अभी फिलहाल में आ रहा है वो काम नहीं कर रहा है, हमें दूसरा RD सर्विस इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में चलाना पड़ता है अगर आपको APS चलाना है तो। तो इसको कैसे सही करेंगे पूरा प्रोसेस आप देखिए, अगर आपका RD सर्विस का कभी दिक्कत आता है तो इसी तरीके से करना है, जो मैंने RAR फाइल दिया दोस्तों इसी को इस तरीके से लाना है अपने सिस्टम में, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे आप डाउनलोड करोगे तो ये मेरा डाउनलोड फोल्डर में पहले से पड़ा हुआ है, मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, लेकिन अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से RD सर्विस का एक RAR फाइल आपको मिलेगा, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है इस तरीके से, जैसे करोगे ओके करोगे तो ये आपको इस तरीके से एक फोल्डर मिल जाएगा, वही फोल्डर मेरे पास डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो RD सर्विस के नाम से। अब सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में, उसके बाद में जो RD सर्विस अभी फिलहाल में हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है इसको डिलीट करना पड़ेगा, तो इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, आप लोग यहां से देख सकते हो मोर्फो RD सर्विस ड्राइवर 2.0.1.32 इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी डिलीट नहीं करना है, आप लोग अच्छे से तरीके से देखोगे तभी काम करेगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा डिलीट कर दोगे तो बाद में आपका काम नहीं करेगा, तो मोर्फो RD सर्विस ड्राइवर ही डिलीट करना है, कुछ एक्स्ट्रा डिलीट नहीं करना है, तो इसको डिलीट करेंगे यहां से, उसके बाद में यस पर क्लिक कर देंगे, ये हमारे सिस्टम में डिलीट हो जाएगा, पहले से जो हमारा सिस्टम में RD सर्विस था उसी को मैं डिलीट कर रहा हूँ, अब दोबारा हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया, कंट्रोल पैनल को क्लोज करेंगे, उसके बाद में अपना माई कंप्यूटर खोलेंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, उसके बाद में आप लोग यहाँ देख सकते हो मोर्फो RD सर्विस यहाँ सॉफ्टवेयर इसको डिलीट करना है आपको, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको भी डिलीट मैंने कर दिया, रिसाइकल बिन से भी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद में जो हमारा SBI की उसका जो फोल्डर हमने एक्सट्रैक्ट करके लाया था ये वाला फोल्डर, इसको ओपन करेंगे, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, यहाँ आप लोग देख सकते हो RD सर्विस का एक फोल्डर बना हुआ है, इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा, इस तरीके से इसको डिलीट कर देता हूँ, उसको मैंने डिलीट कर दिया, RD सर्विस फिर से ओपन करेंगे, तो यहाँ से तो अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन इसको चलिए फिर से डिलीट कर देते हैं, डाउनलोड फोल्डर में हमारा रखा हुआ है तो उसको मैं लेकर आता हूँ, उसके बाद में फिर आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। तो ये हमारा RD सर्विस वाला फाइल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, उसके बाद में डेस्कटॉप पर पेस्ट कर देता हूँ, तो हमारा RD सर्विस वाला फोल्डर हमारे पास आ गया, इसको डबल क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो ये हमारा RD सर्विस वाला सॉफ्टवेयर है, इसको फाइल को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से,
उसके बाद में SBI कियोस्क वाले में पेस्ट कर दूंगा। अगर ये सब प्रोसेस आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप ये कर लेते हो तो आपसे यहाँ से डिलीट हो जाता है, तो वहाँ से डिलीट नहीं होगा, मतलब वहाँ आपका रखा रहेगा। तो यहाँ SBI कियोस्क वाला फोल्डर इस तरीके से ओपन करेंगे, ये ओपन हो गया, यहाँ से RD सर्विस अपना पेस्ट कर देंगे, तो हमारा RD सर्विस इसी फाइल में आ गया जो मैंने डिलीट किया था। RD सर्विस के नाम से एक फोल्डर हमारे पास आ गया, उसी को डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद में इसको इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद में इसको यस कर देंगे, हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो फिनिशिंग इंस्टॉलेशन हो रहा है, अभी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक, उसके बाद में हमारा APS अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देगा। आप लोगों को मैं लाइव दिखाने वाला हूँ किस तरीके से ये करेगा। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपका नहीं चलेगा फ्यूचर में RD सर्विस का दिक्कत आएगा तो वहाँ से डाउनलोड करके कर लेना। अगर कोई और दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, आप लोग देख सकते हो ये वाला ऑप्शन फिर से मेरे पास आ गया, डिवाइस हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ये रिस्टार्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो इसको मैं नो करके फिनिश कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। जब तक ये ओके का ऑप्शन नहीं आएगा, RD सर्विस वाला ऑप्शन नहीं आएगा, तब तक आपका APS काम नहीं करेगा, इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो ये हमारे पास आ चुका है, अगर आप चाहो तो लैपटॉप को रिस्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं रिस्टार्ट नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्ट इसको लॉगिन करूँगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मेरा APS काम करता है या नहीं करता है। तो SBI कियोस्क को इसी शॉर्टकट को डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद में लॉगिन हो जाएंगे अपने SBI कियोस्क फोल्डर में। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ डबल क्लिक करना है इस तरीके से, ये हमारा SBI कियोस्क ओपन हो जाएगा, उसके बाद में हमें अपना यूज़र ID पासवर्ड डालकर इसमें लॉगिन हो जाना है, उसके बाद में APS ट्रांजेक्शन मुझे करना है। तो इस तरीके से ओपन होगा, मुझे अपना यूज़र ID और पासवर्ड यहाँ डालना पड़ेगा, तो चलिए फटाफट मैं डाल देता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करूँगा इस तरीके से, आप लोग देख सकते हो यहाँ चेकिंग फॉर RD सर्विस अवेलेबिलिटी प्लीज़ वेट ओके का करेंगे इसमें, उसके बाद में फिर से ओके करेंगे, उसके बाद में यहाँ वेरीफाई करेंगे अपना फिंगर लगाने के लिए। तो फिंगर मोर्फो हमारा ऑन हो चुका है और इसमें मैंने फिंगर से लगा दिया है और इसमें लॉगिन भी हो चुका हूँ अच्छे तरीके से, ओके कर देंगे। तो ये हमारा अब लॉगिन हो चुका है SBI कियोस्क फोल्डर में, आप लोग देख सकते हो अच्छे तरीके से ये लॉगिन इसमें हो चुका है। अब APS ट्रांजेक्शन करेंगे, APS सर्विस में जाएंगे, यहाँ से APS ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ से किसी बैलेंस इंक्वायरी करेंगे, मैं अपने बैंक का बैलेंस इंक्वायरी करने वाला हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा अभी स्लो चलने लगा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों ये ओपन हो चुका है, यहाँ बैंक का नाम सिलेक्ट करूँगा मैं, उसके बाद में आधार नंबर अपना वाला डाल देता हूँ यहाँ, उसके बाद में बैलेंस इंक्वायरी करेंगे यहाँ से, उसके बाद में सबमिट आई एग्री, उसके बाद में फिंगर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से इस तरीके से और अथराइज पर क्लिक कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो ये RD सर्विस ऑन हो चुका है, उसके बाद में फिंगर यहाँ से लगाएंगे, तो अब हमारा RD सर्विस काम करने लगा, आप लोग देख सकते हो ओके करेंगे, तो ये हमारा अच्छे तरीके से काम करना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो सबमिट करने के बाद में हमारा बैलेंस इंक्वायरी इसमें बताने लगा है, अच्छे तरीके से हमारा APS चलने लगा है। तो अब आपका SBI कियोस्क जो भी प्रॉब्लम रहा होगा 100% सॉल्व हो चुका होगा या फिर अपने सिस्टम में आप इंस्टॉल कर चुके होंगे। अगर कोई दिक्कत आता है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा हेल्प करने की। लेकिन दोस्तों जितना भी प्रोसेस मैंने बताया है अगर आप उसी तरीके से फॉलो करोगे तो 100% आपका SBI कियोस्क आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ दोस्तों SBI कियोस्क अपने सिस्टम में इंस्टॉल करवाने के लिए, काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार बोलते हैं कि सर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर दीजिए। लेकिन ये छोटा सा प्रोसेस है, अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो कंप्लीट आप लोगों के समझ में आ जाएगा किस तरीके से SBI कियोस्क को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आप लोगों के सब कुछ समझ में आया होगा, अगर कोई मुझसे गलती से छूट गया होगा तो मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसको भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मिलूंगा दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, थैंक यू।